दबंग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि मामला ग्राम पंचायत क्षेत्र अगडाल का है, जहां पर ग्राम पंचायत क्षेत्र अगडाल के अंतर्गत बरदेला गांव के रहने वाले इन घर के लड़कियों को और इनकी महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अभी झगड़ा हुआ था, दो पक्षों में काफी विवाद हो गया था, इसमें दोनों पक्षों को काफी गंभीर चोटें आई थी, पर अब हालात से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जिस पक्ष को चोटें आई थी वह पक्ष गांव वालों ने मिलकर इनकी साजिश के तहत इन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि हमारे जान को खतरा है, हमें मदद की जाए, क्योंकि हमें रात दिन मारने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम सुनते हैं उन्हीं से पूरा मामला क्या है, क्यों दे रहे हैं। बरदेला से गीता तिवारी। क्या समस्या है? मारपीट हो गई है और हम लोगों को गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, बोलते हैं कि हम काट डालेंगे, रास्ते में पाएंगे, निकलने नहीं देते हैं। हम लोग को डर लगती है कि अंदर घुस घुस मारने आ रहे हैं, और जब रात में हम लोग निकलते हैं तो वो लोग लाठी डंडे लेकर रोड में हमारे घूमते, घर के चारों तरफ घूमते हैं। हम लोगों को बहुत डर लगती है, हम लोग कैसे निकल पाएंगे, कहीं कहाँ से जा जाएंगे। थाने में कम्प्लेन की है पर अभी तक कोई क्या सुनवाई, कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए हम लोगों को बहुत डर लगती है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम लोग 5-6 आदमी 10 आदमी हैं, सबको उनके वजह से डर लगती है। हमारे एक जेठ जी हैं, वो एग्रीकल्चर फार्म में ड्यूटी करते हैं, वो भी डर के वजह से वो भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के रास्ते से वो जाते हैं। बहुत डर की बात हो गई, हम लोगों को बहुत संकट हो गया उनके वजह से। राम सेवक तिवारी बरदेला से। क्या समस्या है? उद्यानिकी विभाग में हम काम करने जाते हैं, तो 4-6 घर के साकेत है उनके, तो कहते हैं कि एका ये रोड से निकली तो एका काट डाल। क्या हुआ था, किस लिए बोलते हैं? यह पूरा अंधा गाड़ा जो उन्होंने जहाँ हुआ, तो हम 2 दिन से ड्यूटी करे नहीं जाए डरन के मारे। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हमारे द्वारा हो के निकलबे तो काट डाल, इसलिए आप ड्यूटी करने नहीं आते सर पर? ये समय नहीं जाता है। आशीष कुमार तिवारी, मैं बरदेला से हूँ। अभी जो एक विवाद हुआ है हमारे यहाँ, उसमें क्या था कि उससे पहले मुझे 4-5 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था कि बोले कि वो क्या बोलते हैं, मैं साकेत हूँ और तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें ऐसा फंसा दूँगा कि तुम जिंदगी भर नहीं निर्भरोगे। अब उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और फिर इसके 4-5 दिन बाद आखिर ये विवाद कर दिया घर आके और मेरे घर में आके मारपीट की है। ये वो मम्मी को भी मेरे चोट लग गई है, मुझे भी और मेरे भाई को भी। तो अभी क्या है स्थिति, वहाँ तो रिपोर्ट किया क्या उसने? उल्टा वो लोग हम लोग के ऊपर रिपोर्ट लगा रहे हैं, हम लोग के ऊपर वो कर रहे हैं, STSC वगैरह लगाने के वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जी,